इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो शादियां कर ससुराल से जेवर नकदी बटोर कर फरार हो जाती थी। दरअसल यह तीनों महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद अपना नाम बदलकर ऐसे नौजवानों को झांसे में लेती थीं जिनकी कहीं शादी नहीं हो रही है या उनमें कोई खामी हो। गिरोह में शामिल 20 वर्षीय युवती शादी करके तीसरे दिन ही फरार हो जाती थी। वहीं गिरोह की दो महिलाएं युवती की माँ बहन का किरदार निभाती थीं। वहीं अब पुलिस इस गिरोह के एक दलाल की देवास में तलाश कर रही है। दरअसल नाथ तोड़ा निवासी रवि नामक युवक ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। रवि ने पुलिस को बताया था कुछ समय पहले दलाल मनोज के माध्यम से हवा बंगला निवासी मंजू से मुलाकात हुई थी। मंजू ने रेशमा नामक युवती से मिलवाया और कहा वह शादी करने के लिए तैयार है। सर, एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो शादी का झांसा देकर, शादी का झांसा देने के बाद में जो है पैसे लिया करते हैं। थाना कोतवाली में नारथोड़ा के निवासी रवि सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उसके साथ एक महिला जिसने अपना नाम रेशमा बताया था, उससे दिनांक 24/12 को शादी करी और 26 को वो घर से चली गई। उसके साथ ऐसा उसे पैसा पता चला कि उसने 75,000 रुपये दिया था और शादी का झांसा दे के जो दुल्हन है वो लुटेरी बनके उसका पैसा ले गई और उसको पता नहीं चला। उसकी रिपोर्ट पर धारा 420-34 का प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र में कायम किया गया। प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि जो प्रार्थी है रवि, उसका एक दोस्त था जो देवास का रहने वाला था विनोद, उसने उससे शादी की बात की। विनोद देवास का रहने वाला इसका परिचित था। रवि वर्तमान में कोई काम नहीं करता है, इसकी शादी भी नहीं रही हो इसलिए बात करी। इसकी जो विनोद है देवास वाला, इसकी एक परिचित महिला थी मंजू जो दिग्विजय मल्टी में रहती है, उससे उसने बात करी। मंजू की एक परिचित पूजा थी जो पूजा थाना द्वारकापुरी क्षेत्र के श्रीराम नगर की निवासी है, उसने उससे बात की और इन मंजू और पूजा दोनों रवि से मिली और उसको बताया गया कि एक लड़की है जिसका इन्होंने 90,000 रुपये मांगा और 75,000 में इनकी बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक रेशमा नाम की लड़की दिखाई, वो रेशमा के नाम से ही जानता था, रेशमा पटेल के नाम से। शादी होने के बाद जब पता चला कि वो लड़की चली गई, उसके बाद जाँच के दौरान उसका नाम राधिका उर्फ वर्षा राव, ये गड़बड़ी पुलिया के पास की रहने वाली पाई गई। उसकी उम्र 20 वर्ष है। इस प्रकार इस गिरोह में राधिका दुल्हन बनी थी रेशमा के नाम से, दूसरी महिला मंजू उसकी बहन बनी थी और पूजा इसकी माँ बनी थी। बन के देवास गए थे और देवास में इनके द्वारा दिनांक 26 को कोर्ट में शादी करी थी। उसके बाद जब वो वापस चली गई तो वो रिपोर्ट पंजीबद्ध कर इन लोगों को हमारे द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। सर, इसमें क्या विनोद भी जो है आरोपी बनाया गया? नहीं, अभी जांच में चूंकि प्रार्थी ने बताया